नमस्कार, आदर्श विद्या मंदिर कोलिया की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं पाठ 9 सदाचार। सदाचार पाठ में सदाचार का अर्थ होता है अच्छे आचरण, यानी कि इस पाठ में अच्छे आचरण के बारे में बताया गया है। समाज के नियमों के अनुकूल अच्छे कार्य करना ही सदाचार कहलाता है। गुरुजनों व बड़ों का सम्मान करना, सत्य और मधुर बोलना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, सदा विनम्र बने रहना इत्यादि सदाचार के गुण बताए गए हैं। पाठ में बताया गया है कि सदाचार ही सफलता का मार्ग है। सदाचारी व्यक्ति हमेशा परोपकारी होता है, वह खुद भी प्रसन्न रहता है और दूसरों को भी प्रसन्न रखता है। सदाचारी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होता। सदाचारी व्यक्ति ही महापुरुष कहलाते हैं। ये आधा पाठ हमने पढ़ लिया था, इसके आगे का जो आधा पाठ है वो हम आज पढ़ेंगे। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत ले लेता है वह सदाचारी होता है। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। हमने पढ़ा था कि सदाचारी है वह सत प्लस आचार, इन दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। और सदाचारी व्यक्ति है उसमें कई गुण होते हैं, जैसे कि गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना, ये सब ये जो कि उत्तम चरित्र के गुण होते हैं। और जो नियम के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है। तो ये सब भी हमने कल पढ़ा था। आइए इसके आगे का पाठ पढ़ते हैं। सदाचारी व्यक्ति जहाँ भी जाता है प्रसन्न रहता है और अपने संपर्क में आने वाले को भी प्रसन्नता देता है। उसके पास सद्गुण तथा सद्व्यवहार का भंडार होता है। वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता, वह निर्भय होता है। विपत्तियों तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में प्राय सभी के जीवन में आती रहती है, किंतु सदाचारी व्यक्ति वह इनसे कभी विचलित नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए तो उनसे मुकाबला करने की क्षमता उसमें होती है। उसमें असीम धैर्य और सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है। वह अपने कार्यों में सदा दूसरों का भला करता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। यानी कि इस पाठ में बताया गया है कि सदाचारी व्यक्ति वह कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता, वह धैर्य से काम लेता है और हमेशा कठिनाइयों का सामना करता है। सदाचार सफलता का मार्ग है। जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है, अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप से जानते हैं। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। उनका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए। सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। तो हमने ये जो पाठ पढ़ा इसमें कुछ कठिन शब्द थे, जो कठिन शब्द आधे कठिन शब्द कल मैंने लिखवा दिए थे, कुछ कठिन शब्द रह गए थे, वो इस प्रकार है। सद्व्यवहार, सद्व्यवहार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। विपत्ति, विपत्ति का अर्थ होता है संकट। प्रतिकूल, प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत, विचलित, विचलित का अर्थ होता है घबराना। विपदा, विपदा का अर्थ होता है संकट। मुकाबला, मुकाबला करना का अर्थ होता है लड़ना। क्षमता, क्षमता का अर्थ होता है योग्यता। असीम, असीम का अर्थ होता है असीमित। धैर्य यानी कि धीरज। परोपकार, परोपकार का अर्थ होता है दूसरों की भलाई करना। सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह। विचरण, विचरण का अर्थ होता है घूमना फिरना। मंजिल, मंजिल का अर्थ होता है लक्ष्य। सहजता, सहजता का अर्थ होता है आसानी से। सामर्थ्यवान, सामर्थ्यवान का अर्थ होता है समर्थ या योग्य। तो ये तो थे इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द अर्थ। और इसके दो प्रश्न आपको मैं दे रही हूँ। हमारा पहला प्रश्न है, अखंड तपस्या किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, सत्य बोलने को
अखंड तपस्या कहा गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, सदाचारी व्यक्ति के पास किस चीज़ का भंडार होता है? तो उत्तर हम लिखेंगे, सदाचारी व्यक्ति के पास सद्गुण व सद्व्यवहार का भंडार होता है। तो इस तरह हमने हमारा जो नौवां पाठ था सदाचार वो पूरा पढ़ लिया है, और इसमें आए कुछ पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर वो हम अगले वीडियो में करेंगे।